अच्छा जी, हेलो एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है। हाँ, पिछला लेक्चर जो था एक बहुत छोटा सा लेक्चर था, इससे जो पिछला वाला लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने एथिकल एंड प्रोफेशनल इश्यूज़ की इंट्रोडक्शन को देखा था। एथिकल इश्यूज़ किस किस्म के हो सकते हैं, हमने ये पढ़ा था। हम लोग ICCI के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं एथिकल इश्यूज़ को, जिसमें इंडिपेंडेंस थ्रेट है जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। F8 में पढ़ लिया, हर जगह पे पढ़ लिया। हमें पता है कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड और फेमिलैरिटी, इंटिमिडेशन, एडवोकेसी, ये चीज़ें हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ी हुई है, दोबारा से पढ़ेंगे। अगला सी स्टैंड फॉर करता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, जब एक एक कंपनी एक ही इंडस्ट्री के दो कंपेटिटर्स को हम लोग ऑडिट कर रहे हैं, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। या एक सप्लायर और एक कस्टमर का ऑडिट हम लोग कर रहे हैं, वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर आ जाते हैं इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट, क्लाइंट ठीक बंदा है यानी क्लाइंट के बंदे ठीक है, यानी कोई फ्रॉड में तो नहीं इन्वॉल्व, लोग झूठ तो नहीं बोलते, डिसऑनेस्ट तो नहीं है, सारी बातें इंटेग्रिटी के अंदर आ जाती हैं। और फिर हम लोग प्रोफेशनल इश्यूज की तरफ जाते हैं, जिसमें एक लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी कि कोई भी ऐसा इशू जो कि ऑडिटर के प्रोफेशन को हिट करे, ऑडिटर के प्रोफेशन को गलत तरीके से हिट कर रहे हो, डैमेज कर रहे हो या फिर एडवर्सली इम्पेक्ट कर रहे हो ऑडिटर के प्रोफेशन को, वो सारे के सारे प्रोफेशनल इश्यूज हैं। इन अदर वे वो सारे इश्यूज जो कि एथिकल इश्यूज के अंदर नहीं फॉल करते और वो प्रोफेशनल इश्यूज में फॉल करते हैं, वो सारे इश्यूज जो कि एथिक्स के अंदर हम लोग कवर नहीं किए हुए होते, वो सारे ऑटोमेटिकली उठ के आ जाते हैं प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर। एथिकल में हम लोगों ने ICCI कवर किया, इसके अलावा और बहुत सारे इश्यूज है जो कि ऑडिटर फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ रूटीन में। आप जाहिर सी बात है कंपनी को ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, यू विल फेस अलॉट ऑफ मोर देन दीज इश्यूज, ठीक है। तो वो सारे इश्यूज फॉल कर जाते हैं डायरेक्टली आपके प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर। लेकिन इसका भी मेमोनिक हमने पढ़ा था कि AAA लेवल के ऊपर मैप आया, अगर आप यूज करो इट इज मोर देन इनफ टू आइडेंटिफाई द प्रोफेशनल इश्यूज विद इन अ गिवन क्वेश्चन। मनी लॉन्ड्रिंग है, ऑडिटर की लायबिलिटी है, प्रैक्टिस मैनेजमेंट क्या चीज है, वो एक सेपरेट पूरा एक टॉपिक है और वो सेपरेट आते हैं, मैंने ये भी कल बताया था पिछले रिकॉर्डिंग में। और फाइनली इंपैक्ट ऑडिट के ऊपर, दिस इज जस्ट लाइक द ऑडिट रिस्क है, आपके प्रोफेशनल इशू की वजह से या फिर एथिकल इशू की वजह से आपका ऑडिट कैसे इम्पैक्ट होगा, कोई इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम को। और इस तरह से फिर इससे पहले कि मैं जाऊँ डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर, आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल एन अंडरस्टैंडिंग कि भाई हम लोगों ने आज से पहले जो क्वेश्चंस किए हैं ना, जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ राइटर, रुको एक क्वेश्चन राइटर का, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि मैंने अपनी पूरी रिकॉर्डिंग में पूरा ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया, सिवाय इसके पार्ट नंबर लास्ट पार्ट जो था प्रोफेशनल वाला, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो, यूजिंग द नोट्स फ्रॉम द ऑडिट कमिटी फोन कॉल इन Exhibit 5, डिस्कस एनी एथिकल इश्यूज रेलिवेंट टू द ग्रुप ऑडिट एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट एक्शंस टू बी टेकन बाय अवर फर्म। अब यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली आपसे बोल दिया कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ एथिकल इश्यूज बताओ, मुझे प्रोफेशनल इश्यूज नहीं चाहिए। अगर उसको प्रोफेशनल इश्यूज चाहिए होंगे तो आपको बताएगा कि मुझे प्रोफेशनल इश्यूज भी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे उसने सिर्फ एथिकल इश्यूज पूछे आपसे। अब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग ऑब्वियसली अपने जहन में डायरेक्टली ले आएंगे उठा के ICCI को कि भाई इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और इंटेग्रिटी, ये मेरा एथिकल इशूज में फॉल करते हैं। मैंने अब 10 मार्क्स लेने हैं तो मैंने 10 चीजों के ऊपर बातें करनी और मैंने यहीं पर यही बातें करनी है। मुझे मटीरियल में मिल जाएगा लिखने को, जो जो इशूज मिल रहे हैं मुझे सब कुछ इधर से मिल जाएगा, लेकिन मैंने लिखना सिर्फ एथिक्स के ऊपर है, बस प्रोफेशनल साइड पे मैंने नहीं जाना। इससे अगले क्वेश्चन पे मैं जाऊं तो मैंने रेड टैग स्पोर्ट्स किया है। इसका था पार्ट नंबर, इसका भी लास्ट पार्ट था, जिसमें हम लोग इन Exhibit 5 है, इन रिलेशन टू सस्पिशन ऑफ फ्रॉड बीइंग कैरिड आउट एट एमए कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन डिस्कस वेदर एन ऑडिट टू लिमिटेड एश्योरेंस रिव्यू, अच्छा ये भी नहीं है। मैटर्स टू बी कंसिडर डिसाइडिंग विद एंगेजमेंट, अच्छा ये भी नहीं है। यहाँ पे उसने एथिक्स से रिलेटेड इतना कुछ नहीं पूछा, वह आगे आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर, ईगल ग्रुप है, ईगल ग्रुप के अंदर भी उसने ये देखो यहाँ पे अब वो पूछ रहा है, आफ्टर कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट इन Exhibit 2 फ्रॉम द ग्रुप फाइनेंस डायरेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ अवर फर्म प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन द ग्रुप्स इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसने पहले पूछा, क्या कहते हैं, डिस्कस द एथिकल एंड प्रोफेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ दिस रिक्वेस्ट। भाई एथिकल इश्यूज भी बताओ और प्रोफेशनल इश्यूज भी बताओ। अभी हम क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहे, मैं सिर्फ क्वेश्चन की आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है पेपर के अंदर। अगर उसने एथिक्स वाले साइड के बारे में सिर्फ पूछा, सिर्फ आपने ICCI को जहन में लेकर आना है। अगर आप उसने आपसे प्रोफेशनल वाली साइड के बारे में पूछा है तो मैप आई को जहन में ले आओ, लेकिन उसने अगर एथिक्स प्लस प्रोफेशनल वाली साइड दोनों को पूछा है तो ICCI प्लस मैप आई दोनों को आप जहन में ले आओ, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजिली।
ठीक है, लेट्स गो टुवर्ड्स द लेक्चर जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था. हम लोगों ने पहले आईसीसीआई पढ़ा हुआ है एथिकल इश्यूज के लिए, हमने प्रोफेशनल इश्यूज के लिए मैप आई पढ़ा है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह ये सब कुछ, प्रैक्टिस मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा है. इसमें दो इंपॉर्टेंट चार टॉपिक्स हैं टोटल, जिसमें क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट फीस, टेंडर, कमर्शियल इश्यूज, इन सबसे इश्यूज जो रिलेट करते हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट में आ जाते हैं. और सबसे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है क्वालिटी कंट्रोल और टेंडर है. आज हम लोग शुरू करेंगे एथिक्स की साइड से. इससे पहले कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊं, मैं डायरेक्ट बुक पे जाऊं और बुक से हम लोग, क्योंकि ये अब सारे के सारे बुक से पढ़ने वाले थ्योरेटिकल पोर्शन समझ लो, मैं आपको ये बताऊंगा इसमें क्या चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपने माइंड में रिटेन करके रखनी है और किस चीज़ को आप स्किप कर सकते हो या फिर किस चीज़ पे आपने इतनी फोकस नहीं करना. ठीक है, लेकिन इससे पहले कि मैं प्रोसीड करूं टुवर्ड्स द बुक, हम लोग आज यहाँ से चैप्टर्स पढ़ना शुरू करेंगे. स्टडी टेक्स्ट का मैंने खोल के रखा हुआ है, पहला कोड ऑफ एथिक्स को खोल के रखा है. अब एज आप पुराने स्टूडेंट हो एसीसीए के, आपको पता है भाई क्या चीजें होंगी, सारी सी बात सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, यही सब कुछ होना है इधर. ठीक है, इसके अलावा एडिशनल चीजें आ जाएंगी. लेकिन अगेन यहाँ पे आपने एक चीज ये भी याद रखनी है, जरूरी नहीं है कि कुछ ना कुछ चीजें चेंज होती रहती हैं. अगेन उसने जैसे यहाँ पे बोला एथिकल इश्यूज कवर डिटेल होते हैं ट्रिपल ए में, एट द नॉलेज फ्रॉम ट्रिपल ए इज एग्जामिनल फॉर ट्रिपल ए, मतलब कि ए ए में के अंदर जो एफ एड के अंदर जो चीजें आपने पढ़ी थी वो ट्रिपल ए में भी आएंगी और ट्रिपल ए के अंदर अपनी भी एक्स्ट्रा चीजें हैं. ठीक है, बस ये चीज आपने याद रखनी है. दूसरी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे देखेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पहले कि मैं कोर्स की तरफ मूव करूं डायरेक्टली, मैं आपको बुक से पढ़ाना शुरू करूं, आपको समझाऊं कि इंडिविजुअली ये सब कुछ क्या चीजें और कैसे हम लोग इनको समझते हैं, कैसे करते हैं. मैं आपको एक क्वेश्चन छोटा सा कराना चाहता हूं अपनी तरफ से, एक एग्जांपल जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग ये चीजें अप्लाई कैसे कर रहे होते हैं. क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगा और उसको मैं सॉल्व कराऊंगा आपको. ठीक है, क्वेश्चन आपका है एबीसी कंपनी इज माय ऑडिट क्लाइंट एंड हैज बीन अवर ऑडिट क्लाइंट सिंस द लास्ट 7 years. ठीक हो गया, आगे मैं कहता हूं कि भाई 7 साल से है. अच्छा, अब कहते हैं कि एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चर्स electric kettles which are sold to international and national customers. ठीक हो क्या? Recent batch of the electric kettles produced had faults whereby the kettles were grown to exploding if they reach high temperature. This explosion may cause burns on the skin of the users. यहां तक ठीक है. आफ्टर फाइंडिंग आउट द फॉल्ट, एबीसी कंपनी स्टॉप्ड यूजिंग द कैटल्स, सॉरी स्टॉप सेलिंग द कैटल्स, सेलिंग दैट बैच, बट ऑलरेडी some batch was sold and ABC decided to not recall or also not let the customers know of the issue publicly. Thinking that the risk of explosion is low. अच्छा, खैर ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि मैंने बना लिया अपनी तरफ से. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वाइज के लिए मैंने एक क्वेश्चन बनाया. मैंने क्वेश्चन में क्या बोला, एबीसी कंपनी इज माई ऑडिट क्लाइंट एंड हैज बीन एन ऑडिट क्लाइंट सिंस द लास्ट 7 years. ठीक है भाई, ABC manufactures electric kettles which are sold to international and national customers. Recent batch of electric kettles produced has faults whereby the kettles were prone to exploding if they reach a high temperature. This explosion may, sorry, meri spelling mistakes ko kind of ignore karte hain.
This exposure may cause burn on the skin of users. ठीक है भाई यहाँ तक मुझे समझ आ गया. After finding out that the fault, after finding out the fault, ABC stopped selling that batch, but already some batch was sold, and ABC decided not to recall or also not let the customers know of the issue publicly, thinking that the risk of explosion is low. यहाँ पे कोमा लगा देते हैं understanding. अच्छा अब मैं आपको कहता हूँ कि मुझे आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि find the ethical and professional issues. ये मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया और बोला कि भाई चलो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके दो. अब एथिक्स के बारे में मुझे पता है मैं क्या चीज यूज करता हूँ, ICCI यूज करता हूँ, और प्रोफेशनल इश्यूज के लिए मैं क्या यूज करूंगा, मैप आई यूज करूंगा. ठीक है, अगर इन दोनों को यूज करके मैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ूं तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है. मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता रहूंगा और मैं लिखता जाऊंगा उसके बारे में. कैसे, आय का सबसे पहला वाला आय, ICCI का आय, इंडिपेंडेंस की बात होती है. इंडिपेंडेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, मुझे पता है सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आता है, मुझे पता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट आता है, मुझे पता है फेमिलैरिटी थ्रेट आता है, और इसके अलावा एडवोकेसी थ्रेट भी, इंटीमेशन थ्रेट भी है. अगर मैं पहली लाइन पढ़ूं, एबीसी इज माई ऑडिट क्लाइंट एंड हैज बीन आवर ऑडिट क्लाइंट सिंस द लास्ट 7 years, भाई 7 साल से वो मेरा ऑडिट का क्लाइंट है, फेमिलैरिटी का थ्रेट है. इंडिपेंडेंस वाले कहते हैं, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिविटी और एफेट में भी ये चीज पढ़ी थी कि फेमिलैरिटी के थ्रेट के इसको बचाने के मिटिगेशन की तरीका ये है कि आपने क्लाइंट को रोटेट कर देना है या पार्टनर को रोटेट कर देना है, टीम को रोटेट कर देना है. तो पहला रिस्क आपको मिल गया, पहले एथिकल इशू आपने आइडेंटिफाई कर दिया. यहाँ पे इसको हाईलाइट कर नहीं कर सकते इस तरह से, सॉरी, इसको हम लोग कह देते हैं ये एक एथिकल इशू आ गया कि भाई फेमिलैरिटी थ्रेट अराइज हो रहा है, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस है. सबसे पहला वाला आई उठा है, देयर इज एन एथिकल थ्रेट टू इंडिपेंडेंस to the audit firm because the client has been our audit client since the last 7 years and there is a threat of there is a familiarity threat. Hence, to mitigate the audit risk, this the client should be rotated towards a new partner and a new audit team. ठीक हो गया, मैंने अपना पहला वाला बता दिया. अगली क्या चीज है भाई, देखो आगे अगला मैं find कर, तो मैंने चलो आए तो find कर दिया. C के ऊपर जाते हैं, C क्या कहता था भाई, confidentiality. अगर मैं आगे हूं तो क्या बात है, पूरी स्टोरी जो अब मेरे दिमाग में समझ आई, मैं पढ़ चुका हूँ पूरी स्टोरी, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं. मैं हाईलाइट कर चुका हूँ कि क्लाइंट की क्या क्या गलती है. भाई सबसे पहली चीज, एबीसी ने एक मैन्युफैक्चर किया एक बैच केटल्स का, ठीक है. जब उन्होंने बैच को मैन्युफैक्चर किया तो उसके अंदर फॉल्ट था. अब फॉल्ट आया तो क्या हुआ, वो एक्सप्लोड करती थी हाई टेम्परेचर पे जाके. मुझे सारी स्टोरी समझ आ गई, ठीक है. इस एक्सप्लोजन की वजह से क्या बनता था, जो यूजर्स थे जिन्होंने खरीदा था, जो कस्टमर्स थे, उनकी स्किन के ऊपर बर्न्स बन सकते हैं अगर ये एक्सप्लोड कर गई तो. लेकिन अगेन मैंने ये बात पढ़ी नीचे आखिरी उसमें कि रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन लो है, बट एट द सेम टाइम एबीसी ने कस्टमर्स को ये चीज बताई भी नहीं है और कस्टमर्स से वो चीज वापस मंगवाई भी नहीं है. मतलब पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक ने जो वो कैटल्स खरीद चुके हैं वो ऑलरेडी वैसे ही यूज कर रहे होंगे जैसे वो पहले करते थे. अगर एक ना एक एक्सप्लोड हो गई तो कोई ना कोई ऐसा यूजर होगा जिसकी स्किन के ऊपर बर्न आ जाने, उसने इनके ऊपर आके केस कर देना है, सीधी सी बात है, ठीक है. अब ICCI और मैप आई को यूज करूंगा और सारी चीजें आइडेंटिफाई करूंगा. सबसे पहला मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंस वाली बात. इंडिपेंडेंस के अंदर मैंने क्या चीज बोली थी कि भाई किस चीज का थ्रेट है मेरे पास, फेमिलैरिटी का थ्रेट है. मैंने चीज आइडेंटिफाई कर ली अपने पास रिस्क में. उसके बाद अगला सी क्या कहता है, कॉन्फिडेंशियलिटी. भाई कॉन्फिडेंशियलिटी, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हम लोगों को पता है कि आप किसी चीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्लाइंट की जनरल पब्लिक में, लेकिन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी वाले बंदे को रिपोर्ट करना यह आपकी जिम्मेदारी है. कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल भी ये कहता है दैट एनी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी लायबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकता है एक ऑडिटर की, उसको आपने डिस्क्लोज करना है, लेकिन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना है. तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, डिस्क्लोज द इशू ऑफ एक्सप्लोजन टू अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. यहाँ पे हम लोगों ने बात कर दी कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल के अंदर हम लोग ये वाला रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इस चीज के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी वाला इशू है. अगला सी क्या चीज थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसने कोई ऐसी बात नहीं की भी इसके अंदर कि मेरे पास इसका कंपेटिटर भी है, वो भी मैं भी उसका ऑडिट करता हूँ, इसका कोई सप्लायर है या कस्टमर है मैं उसको ऑडिट करता हूँ. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में नहीं लिखेंगे. हम लोग बोल देंगे नन, यहाँ पे कोई नहीं है, लिखेंगे नहीं पेपर में नन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना कि कोई रिस्क नहीं है, लिख हमने पेपर में लिखना ही नहीं है इसके बारे में बिल्कुल, ठीक है. अगला आई क्या होता है, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट. अब इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर हमारा क्वेश्चन रेज है
कैसे कि भाई हम लोगों ने पढ़ा था अगर क्लाइंट डिसऑनेस्ट है तो उसकी इंटेग्रिटी के ऊपर आप क्वेश्चन उठा सकते हो, उसकी इंटेग्रिटी खराब है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट नहीं है तो उसकी इंटेग्रिटी खराब है। हम लोगों ने प्रोफेशनल फंडामेंटल प्रिंसिपल के अंदर ये चीज पढ़ी थी एफिट में कि इंटेग्रिटी के क्या मीनिंग है, दैट यू शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल योर बिजनेस या फिर ऑडिट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे बिजनेस की बात हो रही है, क्लाइंट के जो मैनेजमेंट है वो बिजनेस के अंदर काम करती है ना, तो उसको तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास इसकी रीजन मिल गई, क्लाइंट की इंटेग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपॉन द क्लाइंट्स इंटेग्रिटी एज दे हैव नॉट डिस्क्लोज्ड द एक्सप्लोजन इशू इन द जनरल पब्लिक। उन्हें ये चीज करनी चाहिए थी, अगर ये डिस्क्लोज उन्होंने नहीं किया तो भाई लोगों के स्किन के ऊपर बर्न्स आ सकते हैं, तो उनकी उसको तो इन उनको तो इस चीज की परवाह ही नहीं है कि भाई लोगों की स्किन के ऊपर बर्न आ सकते हैं। उन्होंने तो इस चीज को रिकॉल ही नहीं कराया, क्यों नहीं कराया ये उनकी अपनी अपनी चीज पर डिपेंड करता है, हो सकता है इसलिए ना कराया, वापस बुलाएंगे तो पैसे देने पड़ेंगे, उनका प्रॉफिट गिरेगा, ठीक है, तो उन्होंने तो वापस ही नहीं बुलवाया इस चीज को, लेकिन ओरिजिनली उन्हें वापस मंगवाना चाहिए था, नहीं मंगवाया, किसी फायदे के मुताबिक नहीं मंगवाया, इसलिए उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास क्या, मैप आए, अगर मैप आई के ऊपर मैं बात करता हूं, सबसे पहले क्या था, मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हम लोग बात करते थे, मैं आपको बताता था, देखो कल भी मैंने रिकॉर्डिंग में चीज समझाई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हम लोग कैसे लिख रहे होते हैं, हमें तीन स्टेप सीखने की जरूरत है कि सबसे पहली चीज आती है कि आप एक्वायर करते हो क्रिमिनल प्रोसीड से पैसे को, ठीक है, फिर उसको प्लेस करते हो एक बिजनेस एक साइकिल के अंदर कि वो क्लीन मनी बनना शुरू हो, ठीक है, उसको अपनी ओरिजिनल सोर्स है उस क्रिमिनल प्रोसीड्स को जो आपने हासिल की हुई होती है, जो आपने रिश्वत ली है, कोई भी काम किया है या क्रिमिनली आपने कोई पैसे लिए हैं किसी से, तो आप उसको अपनी ओरिजिनल सोर्स से दूर करने की कोशिश करोगे, इसलिए उसको मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट करोगे और साइकिल चलाते रहोगे, जिसको बोलते हैं हम लोग लेयर करना। और तीसरा आता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या, कि इतना दूर कर दिया आपने उन क्रिमिनल प्रोसीड्स को अपनी ओरिजिनल सोर्स ऑफ इनकम से कि भाई कोई उसको ट्रेस नहीं कर सकता, तो इस वजह से आप उसको क्लीन मनी बना देते हो। यहाँ पे स्टेप नंबर वन तो अप्लाई होता है ना कि ये जो पैसा इन्होंने हासिल किया, द रेवेन्यू दे हैव जनरेटेड इज फ्रॉम अ क्रिमिनल प्रोसीड्स बिकॉज उन्होंने गलत चीज बेची है कस्टमर को जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इशू आप बोल सकते हैं कि भाई एमएल के अगेंस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अगेन डिस्क्लोज करो ये चीज दैट द रेवेन्यू जनरेटेड From the batch could be considered criminal. तो इसलिए आप उस चीज को डिस्क्लोज करो ताकि वो लेयरिंग के स्टेप तक जा ही ना सके क्लाइंट, क्योंकि जो इन्होंने पैसा लिया अब उसको दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, फिर दोबारा री इन्वेस्ट करेंगे, करते रहेंगे जब तक वो ओरिजिनल जो ये जो बैच उन्होंने सेल किया था उससे वो दूर नहीं हो जाता पैसा, वो सोर्स इसकी बिल्कुल दब नहीं जाती मिट्टी के अंदर। जब वो दब जाएगी, जब वो खत्म हो जाएगी वो सोर्स, तो फिर इन दी एंड क्या होगा कि वो पैसा जो इन्होंने लगाया हुआ है, जो पैसा ये लोग इन्वेस्ट कर करके लेयर कर करके अब निकाल चुके हैं, उसको प्लेसमेंट कर देंगे। प्लेसमेंट क्या है कि उसको क्लीन मनी डिस्क्लोज कर देंगे दैट हम लोगों ने ये अभी रिसेंटली एक्वायर की हैं चीजें, हम लोग हमारे पास ये रिसेंटली पैसा है और बिल्कुल साफ है, ये उस चीज से रिलेट नहीं करता जो वो ओरिजिनल बैच था जो एक्सप्लोर करता था, उन्होंने उससे दूर कर दिया, ठीक है। तो अभी से अगर हम लोग इसको मनी लॉन्ड्रिंग में डिस्क्लोज करें तो हमें करना चाहिए, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के हिसाब से। अगला आता है ए, ऑडिटर लायबिलिटी। मैप आई के अंदर ए आ जाता है। ऑडिटर लायबिलिटी क्या चीज है, ऑडिटर लायबिलिटी बड़े मजे की चीज है। ऑडिटर जो है ना बड़ा, आप ये समझ लो बुजदिल होता है, डरपोक होता है, किस लिहाज से, इन द फॉर्म कि भाई ऑडिटर जो है किसी किस्म का रिस्क अपनी रेपुटेशन के ऊपर नहीं लेना चाहता कभी भी, पूरी जिंदगी ऑडिटर का यही काम होता है कि मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठाए, आई एम द राइट पर्सन एंड डूइंग द राइट थिंग एट ऑल टाइम्स, ठीक है, बजाय इसके कि नेचर क्या कहती है, नेचर कहती है कि ह्यूमन बींग्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉल, मतलब कि वो गलत हो जाते हैं कहीं ना कहीं पे, लेकिन ऑडिटर जो क्या कहते हैं, भाई मैं किसी चीज में गलत नहीं हूं, मैं हमेशा ठीक हूं। तो अगर आपको लगता है एज एन ऑडिटर कि फ्यूचर में आपकी ये गलती बन सकती है, आज ही उसको खत्म करने की कोशिश करोगे, आज ही उस चीज को मिटिगेट करने की कोशिश करोगे, मतलब ऑडिटर अपनी लायबिलिटी हमेशा कम से कम रखता है, खत्म करने की कोशिश करता है कि उसके ऊपर कोई सवाल ना उठा सके। अगर ऐसी बात है तो ये जो चीज अभी चल रही है, जो एक्सप्लोजन वाली चीजें बिक चुकी है, इलेक्ट्रिक केटल्स जो आपने बेची है विच आर प्रोन टू एक्सप्लोडिंग, तो पहली चीज तो
ये ना कि अगर आप आज उसको डिस्क्लोज नहीं करते एज एन ऑडिटर, जनरल पब्लिक को नहीं बताते या फिर अथॉरिटी को नहीं बताते, तो क्या होगा फ्यूचर में? आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी जब गवर्नमेंट आके इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, तो एट द एंड आपसे भी तो सवाल पूछोगी ना कि भाई आपने ऑडिट किया था, आपने इनकी इन्वेंट्री को ऑडिट किया ISTO का, आपको नहीं पता चला कि दीज इलेक्ट्रिक केटल्स आर प्रोन टू एक्सप्लोजन? अगर ऐसा था तो आपको पता था तो आपने डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? तो आपकी लाइबिलिटी तो बन गई, आपको फ्यूचर में फाइन हो सकता है, आपकी रेपुटेशन डैमेज हो सकती है, तो आज ही उस चीज को कम करो। तो एज एन ऑडिटर ये लाइबिलिटी कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? डिस्क्लोज इट, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आज ही डिस्क्लोज कर दो इस चीज को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को कि भाई ये मसला चल रहा है, आके देख लो, ताकि कल को आपसे आके कोई ना सवाल पूछ सके। आपसे पूछे तो आप हाथ खड़े करके बोल दो मैंने बताई थी ये बात, मैं साइड पे, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैप आई के अंदर पी, विच इज प्रैक्टिस मैनेजमेंट। प्रैक्टिस मैनेजमेंट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी, कौन कौन से मसले होते हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट के अंदर? क्वालिटी कंट्रोल, ऑडिट फीस, टेंडर, कमर्शियल इश्यूज। ये क्वालिटी कंट्रोल का जो मतलब है ना, यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल ये नहीं है कि क्लाइंट की क्वालिटी को आपने मेंटेन रखना है, नहीं, ये अपने ऑडिट की क्वालिटी को मेंटेन रखना, अपनी ऑडिट की क्वालिटी को ना गिरने देना, ऐसी बात यहाँ पे कोई नहीं हो रही, ठीक है। तो प्रैक्टिस मैनेजमेंट तो यहाँ पे खैर बात ही नहीं होगी। उसकी दूसरी रीजन ये भी मैंने आपको बताई थी कि जब भी ऑडिटर एथिकल एंड प्रोफेशनल दोनों चीजों के बारे में पूछ रहे होते हैं, तो वो वहां पे ऑल्दो प्रैक्टिस मैनेजमेंट हमारा मैप आई के अंदर और प्रोफेशनल इश्यूज के अंदर फॉलो करता है, लेकिन प्रैक्टिस मैनेजमेंट एक सेपरेट टॉपिक, इसको हमेशा ऑडिटर, हमेशा एग्जामिनर एक सेपरेट तरीके से टेस्ट करेगा। वो एथिकल एंड प्रोफेशनल क्वेश्चंस के अंदर बहुत मुश्किल है, कभी पूछे ना उसने कभी पूछा है इस चीज को, तो वो नहीं पूछता। तो अगेन डिफॉल्ट सेटिंग आपके माइंड की हमेशा क्या होनी चाहिए, आपके ब्रेन की, कि भाई जब भी प्रोफेशनल एथिकल का क्वेश्चन आएगा उसमें प्रैक्टिस मैनेजमेंट को हमेशा उसे उठा के बोल दूंगा देर इज नो इशू। आपने पेपर में ये बोलना नहीं है, असल में जिस चीज का इशू नहीं है उसके बारे में बात ही नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, आपके माइंड को पता हो कि यहाँ पे प्रैक्टिस मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर आ जाते हैं मैप आई के बाद फाइनली आए, विच इज इम्पैक्ट ऑन ऑडिट। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इम्पैक्ट ऑन ऑडिट इज जस्ट लाइक ऑडिट रिस्क। अगर आप इम्पैक्ट को समझना चाहते हो तो आपने ऑडिट रिस्क ध्यान में रखना है। इस पूरी जो ऊपर हमने कन्वर्सेशन की है, हमें पता लगा कि भाई क्लाइंट ने गलत बैच बनाया, फॉल्टी बैच बनाया और उस फॉल्टी बैच को बेचा और उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो रहे हैं और एक्सप्लोजन इलेक्ट्रिक केटल्स जो है वो प्रोन टू एक्सप्लोजन है, और अगर वो प्रोन टू एक्सप्लोजन है भी तो क्लाइंट ने जो है ना उसको रिकॉल किया और ना उसको जनरल पब्लिक को बताया कि भाई आप इसको इस्तेमाल ना करो। अब यहाँ पे मेरे जहन में ऑडिट रिस्क दो किस्म के उठते हैं। पहली चीज, इन्होंने जो बैच बनाया अगर अभी भी वो इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है एंड इट इज प्रोन टू एक्सप्लोजन, मतलब वो फॉल्टी है, तो पहली बात तो उसको राइट ऑफ करना चाहिए, वो आप सेल नहीं कर सकते, उसको आप या तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे ले करो अकॉर्डिंग टू ISTO, या तो उसको राइट ऑफ करो बिकॉज इट हैज नो अमाउंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, ठीक है, इन योर अकाउंट्स। दूसरा इशू मेरे जहन में आ रहा है कि अगर योर इलेक्ट्रिक केटल्स आर प्रोन टू एक्सप्लोजन और कस्टमर्स को नहीं पता, आपने अखबार में या कहीं पे भी उसको एडवर्टाइज नहीं की ये चीज के दे आर प्रोन टू एक्सप्लोजन, ना उसको रिकॉल किया, अब कस्टमर ने उसको इस्तेमाल किया इट एक्चुअली एक्सप्लोड्स, तो क्या होगा? कस्टमर आपको सू कर देगा, IS 37 के अकॉर्डिंगली आपके ऊपर एक प्रोविजन खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑडिट के ऊपर मेरे दो इम्पैक्ट है, पहला IS 2 NRV के ऊपर इशू बन जाता है और दूसरा किस चीज का, IS 37 प्रोविजन आ सकती है आपके ऊपर। दोनों के ऊपर एज एन ऑडिट रिस्क आप लिख दोगे कि भाई यहाँ पे ये रिस्क है, ठीक हो गया। ये हमारा तरीका होता है कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने का एथिकल एंड प्रोफेशनल वाली जब हम लोग बात करते हैं। एक एक्स्ट्रा इशू हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, ठीक है, जो कि हमारा था कि लास्ट 7 ईयर से हमारे पास है, लेकिन हमारा ऑडिट वाला कहता है, जो ऑडिट के हम लोग पढ़ेंगे अभी जाके इंडिपेंडेंस वाले इश्यूज को पढ़ेंगे, सेल्फ फेमिलैरिटी थ्रेट को हम लोग जब पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग 5 एंड मैक्सिमम टू अ नंबर ऑफ 7 ईयर्स हम लोग रोटेट कर देते हैं क्लाइंट को, हम लोग ज्यादा देर अपने पास नहीं रख सकते क्लाइंट को, ठीक है। तो ये इश्यूज हम लोग इस तरीके से पेपर के अंदर लिख रहे होते। अब ऑब्वियसली आप ये वन लाइन नहीं लिखो कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर, इस तरह से लिखोगे, आपने पूरा इसको एक्सप्लेन करना है। हमेशा जब भी पेपर के अंदर आंसर दे रहे होते ना आप, तो अपने जहन में दो चीजें रखनी है, इफ द क्वेश्चन इज मोर फॉर मोर देन 8 मार्क्स, फॉर लेस देन 8 मार्क्स, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। If the question is for less than 8 marks, तो आपने ज़हन में हमेशा ये बात रखनी है कि 1/2 marks, यानी कि 0.5 marks, 0.5 marks are for identification of professional issue या फिर ethical issue, and 0.5 marks are for
राइटिंग वाई, मतलब कुछ लिखो उसके बारे में कि प्रोफेशनल इशू है, एथिकल इशू क्यों है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेमिलैरिटी की बात करूंगा तो मैं तो उसको वो वाला स्टैंडर्ड बताऊंगा ना, वो वाली रिक्वायरमेंट बताऊंगा फेमिलैरिटी थ्रेड के अंदर कि भाई ऑडिटर जो है 5 साल से ज्यादा एक ऑडिट क्लाइंट को रिटेन करके नहीं लग सकता, और इससे ज्यादा रखा तो देर इज अ प्रोफेशनल फेमिलैरिटी इशू, और हमें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की तरफ से कि आपने हर हर 5 साल के बाद क्लाइंट को रोटेट करना है, उसकी टीम बदलनी है। नाउ दिस इज अ फेमिलैरिटी इशू, इसी वजह से मुझे पूरा 1 मार्क मिल गया, यहाँ पे भी 1 मिल गया, इधर नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं। यहाँ पे भी इस तरह एक्सप्लेन करूंगा भाई इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई किया था, मुझे 1 मार्क मिला, ठीक है। लेकिन क्यों ये क्वेश्चन है, क्योंकि क्लाइंट ने अप्रोप्रिएटली इस चीज को डिस्क्लोज भी नहीं किया और ना प्रोडक्ट्स को रिकॉल किया, एंड दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड डिस दे आर नॉट स्ट्रेट दे आर नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड दे आर डिसऑनेस्ट इन देयर डीलिंग्स विद द जनरल पब्लिक विद देयर कस्टमर्स, तो इसलिए उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे भी 1 मार्क मिल जाएगा। 3 मार्क्स मुझे इस तरह से यहाँ पे मिल गए, जब मैं आया प्रोफेशनल इश्यूज की तरफ तो 1, 2, 3 भी इधर भी मुझे मिल गए। हो सकता है इम्पैक्ट ऑन ऑडिट में मुझे वो ज्यादा मार्क्स दे दे, 4 दे दे, क्योंकि 2 रिस्क आइडेंटिफाई किए मैंने, तो 8, 9 मार्क्स आपके बनते हैं ना इधर इस तरह से। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 मार्क्स आपके यहाँ पे बन रहे हैं, 8, 9, 9 मार्क्स आपके बन रहे, क्योंकि 2 आपने इम्पैक्ट ऑन ऑडिट आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। इस तरह से आप करते हो अपना क्वेश्चन प्रोफेशनल एंड एथिकल इश्यूज वाला। अब आते हैं हम लोग इनकी इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ। आज मैं आपको कराऊंगा इस रिकॉर्डिंग के अंदर इंडिपेंडेंस थ्रेड्स के ऊपर आपको लेके जाऊंगा कि ये कौन कौन से थ्रेड्स हैं, हम लोग इनको कैसे लेके चलते हैं। फिर नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में क्योंकि हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएंगी चीजें, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा तो आज इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं, ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी मेजोरिटी आपको याद होगा। जब आते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी पे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पे, इंटेग्रिटी के ऊपर, तो इन तीनों को हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। फिर हम लोग मूव करेंगे और डिसाइड करेंगे कि हमने प्रोफेशनल इश्यूज को कैसे कवर करने। वंस वी आर डन विद दिस तो हम लोग इसके पास क्वेश्चंस देखेंगे। इनके पास क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, वंस आपके फिंगर टिप्स के ऊपर चीजें बैठ जाए कि भाई मैप आई को कैसे यूज करना है, आईसीसीआई को कैसे यूज करना है, दैट्स इट, इट्स डन। फिर आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी और आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे। अगेन मैं आपको एक बात बता दूं, एक चीज मैं आपको बता दूं भाई, यहाँ पे पेज नंबर 76 है, यहाँ पे आपने एक चीज याद रखनी है कि मैंने आपको बताई थी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक जब मैं आपको ये सारा करा दूंगा, मैप आई प्लस आईसीसीआई में जब आपको कराऊंगा, यानी प्रोफेशनल इश्यूज प्लस मैं आपको जब एथिकल इश्यूज कराऊंगा, तो आपको 1 से लेकर 6 तक चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। तो मेरी अभी से आपसे रिक्वेस्ट है कि जब हम लोग जिस चैप्टर को पढ़े हो, अगर मैं उसमें से कुछ मिस भी करूं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप कवर करके आए प्लीज, ठीक है। जैसे आज हम लोग क्योंकि मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, डिलीट इसको, आज हम लोग पढ़ने लगे चैप्टर नंबर 3, इसी के अंदर हमारा एथिकल वाले आ रहे होंगे, इंडिपेंडेंस के थ्रेड्स आ रहे होंगे, ठीक है। तो जहां तक मैं पढ़ूंगा वहां तक हो सकते हैं कुछ ना कुछ चीजें मैं मिस कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उस चीज को पढ़ें, उस बुक के उस हिस्से को पढ़ें जो कि मैंने नहीं पढ़ा, पूरे चैप्टर को अगर मैंने पढ़ा भी है तो दोबारा से पढ़ें, ठीक है, ताकि कोई क्वेश्चन हो आपको, कोई ऐसी चीज हो जो कि हम लोग मिस कर रहे हो, तो वो आपके जहन में हो और आप मेरे से पूछ सकें, उसके बारे में आपको समझा सकूं, ठीक है। डू रीड इट, और मेजोरिटी ऐसी चीजें होती है जो कि आपको रिटेन करके रखनी होती है। इन सारे चैप्टर्स में जब आप आगे पढ़ेंगे, ये वही चीजें थी जो कि आपको रिटेन करके रखनी है अपने दिमाग में। यहाँ पे आई कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड इट, बट आपको रट्टा मारना पड़ेगा, यहाँ पे आपको फुल रटा मारना पड़ेगा किसी ना किसी हद तक। लेकिन जब क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो वहां पे अगेन वो रटा बहुत कम काम आएगा, मटेरियल लिखने के लिए रटा मारना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 76 पे है जो मेरे पास है, और हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स के साथ। कोड ऑफ एथिक्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी एक चीज पढ़ी हुई है, एथिकल फ्रेमवर्क वर्सेस रूल बुक, वो आपको प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच बताएगा प्लस आपको रूल्स बेस्ड अप्रोच बताएगा। हमें पता है एज एन ऑडिटर हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच लेके चल रहे होते हैं, एज एन अकाउंटेंट हम लोग प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि रूल बेस्ड अप्रोच जो होती है वो हमेशा से फ्लेक्सिबल नहीं होती, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। जो लिखे आपने वही करना है, जबकि प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, इट इज अलॉट फ्लेक्सिबल टू अलॉट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। लेकिन मेजर कंसर्न हमारा यहाँ से शुरू होगा कि भाई व्हाट आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। हम लोगों ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी थी F8 के अंदर, जहां पे मैंने आपको बताया था 5 फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर एंड ड्यू केयर, एंड प्रोफेशनल एक और था इसमें प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर था, एंड प्रोफेशनल बिहेवियर अलग था, ठीक है। ये 5 हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते थे, इन्हीं को कुछ ना कुछ थ्रेड्स से अपने आप को अपडेट रखना, थ्रेड्स टू ऑब्जेक्टिविटी हम लोग कहते थे, या यहाँ पे हम लोग उसको कहते हैं थ्रेड टू इंडिपेंडेंस, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम लोग इधर मूव करेंगे थ्रेट्स, कॉन्फ्लिक्ट एंड अदर एथिकल इश्यूज की तरफ, और उनके सेफ गार्ड्स क्या क्या होते हैं। पेपर में आप सेफ गार्ड्स लाजमी लिख रहे होते हो कि हम लोग इस इशू को कैसे खत्म करेंगे, क्योंकि मैंने आपको अपनी पिछली रिकॉर्डिंग में भी ये चीज समझाई थी कि हमारा मेन गोल होता है कि हम लोग आइधर अपने थ्रेट को या फिर थ्रेट्स यहाँ पे क्या है, ICCI वाले होंगे या MFI वाले होंगे, इनको या तो मिटिगेट कर लें या फिर इसको रिड्यूस कर लें टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अब इस चीज का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब ये जड़ से उठा के खत्म कर दो किसी मसले को। भाई जड़ से उठा के कैसे खत्म करोगे, मैं कहता हूँ कि भाई आपका जो CFO वो फ्रॉड में इन्वॉल्व है, इस मसले को जड़ से खत्म करो, CFO को निकाल दो, मसला जड़ से खत्म हो गया, वो बंदा नहीं आएगा। लेकिन अगर इसको रिड्यूस करना है टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, आप क्या करो कि आप इसको अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, अप्रोप्रिएट बंदों को रिपोर्ट करो, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करो, होगा क्या कि वो चीज नजर में आ जाएगी और वो बंदा कंट्रोल में रहेगा। इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल जहां पे वो थ्रेट मटेरियलाइज होके आपको इशू नहीं बना के देने वाला कल को। ठीक है, इतनी कम कर दो उस इशू को कि वो आपके लिए फ्यूचर में कोई इशू ना बना सके, उसको कहते हैं कि एक्सेप्टेबल लेवल तक आप इसको खींच के नीचे ले आओ। ठीक हो गया, आते हैं हम लोग यहाँ पे। उसने हमें एग्जाम फोकस के बारे में बताया है, क्या प्रोफेशनल एंड एथिकल कंसिडरेशन आर की एलिमेंट ऑफ द सिलेबस एंड विल फीचर इन एनी एग्जाम। हमें पता है, हमने चीज पढ़ी भी है कि जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन होता है एडवांस्ड ऑडिट के अंदर, उस पे ऑलमोस्ट 10 to 15 मार्क्स जो है वो एथिक्स से वो पूछ रहे होते हैं, ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन 90% ऑफ द केसेस में ही है। ठीक है, अ टिपिकल रिक्वायरमेंट विल आस्क यू टू इवेल्युएट द एथिकल एंड प्रोफेशनल इशूज इन अ सिनेरियो। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने एक सिनेरियो बनाया, उसको हम लोगों ने एथिकल एंड प्रोफेशनल इशूज में कन्वर्ट किया, डिसाइड किया कौन से प्रोफेशनल है कौन से एथिकल है। नोट दैट दिस इनकॉर्पोरेट्स ऑल द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नॉट जस्ट ऑब्जेक्टिविटी एज वेल एज प्रोफेशनल इशूज डिस्कस्ड इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। हाँ ठीक है, कैसे कि भाई देखो, जरूरी नहीं है कि हम लोग अब यहाँ पे ICCI को यूज करते हैं तो हम लोग इसमें थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, ये जो सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ रिव्यू है, इन्हीं के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, तो ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर थ्रेट्स है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी भी आता था हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल में, यहाँ पे कवर हो जाते। पीछे कौन से रह गए, ऑब्जेक्टिविटी कवर हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी कवर हो गया, आपका पीछे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर रहता है, प्रोफेशनल बिहेवियर रहता है। ठीक है, ये इंटेग्रिटी रहता है, इंटेग्रिटी यहाँ पे क्लाइंट के लिए आप कैरियर फॉरवर्ड कर रहे हो। ठीक है, ये वो भी कवर होगी, लेकिन आपका प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर रहेगा। अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट आपको आ रही है जहां पे आपको लग रहा है ऑडिटर ने अपने आपको अपडेट अप टू डेट ही रखा, आप डायरेक्टली फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 4 के बारे में बात करो कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर भी कोई नाम की चीज थी यार। इसके अलावा अगर ऑडिटर का बिहेवियर ठीक नहीं है तो आप डायरेक्ट बात करो फंडामेंटल प्रिंसिपल नंबर 3, जिसमें वो कहता था कि भाई प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपकी आपके प्रोफेशन की रेपुटेशन डैमेज हो, वो बात आप भी आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स कम फॉरवर्ड और आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन रिक्वायर्स मोर देन जस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्रेट्स। यस, यू विल आल्सो नीड टू कंसीडर द सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट्स। अगेन वही बात कि आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे कि आइडेंटिफाई कर दो और उस थ्रेट को एक्सप्लेन कर दो जैसे हमने अभी किया, आप उसको ये भी बताओगे कितना सिग्निफिकेंट है वो थ्रेट। आप उसको बताओगे कि यार ये जो थ्रेट बन रहा था यहाँ पे कि क्लाइंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, आप उसको बताओ कि हाउ सिग्निफिकेंट दिस इज, ये कितना सिग्निफिकेंट है, क्योंकि लोगों को मसला बन सकता है, लोगों की स्किन जल रही है भाई, मसला बन रहा है, कल को आपके लिए मसला बन सकता है और एज एन ऑडिटर, तो कितने बड़े बड़े मसले हैं, आर दिस सिग्निफिकेंट और नॉट, ये भी आप बताओगे। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमने पूरा ये वाला सॉल्व किया, ये दिस वॉज अ सिग्निफिकेंट इशू। ठीक है, You should consider any safeguards available to reduce the threat to an acceptable level as part of your evaluation. Yes, again, आप जब भी अपना आंसर लिखते हो किसी भी थ्रेट के लिए, जैसे अब हमने ऑडिटर लाइबिलिटी का थ्रेट आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम लोगों ने उसको बताया कि भाई अगर हम लोग नहीं करेंगे हमारे पे ये मसला, एक्सप्लेन कैसे करूंगा, आइडेंटिफिकेशन की कि ऑडिटर की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन थी, फिर एक्सप्लेन कैसे किया इसको कि अगर आज ऑडिटर डिस्क्लोज नहीं करता किसी को तो कल को ऑडिटर के ऊपर क्वेश्चन उठ सकते हैं और मेजरली इसको पिनलाइज किया जा सकता है, हमें एज अ फर्म या फिर हमारे से हमारा प्रोफेशनल क्लियरेंस का डॉक्यूमेंट भी ले सकते हैं कि भाई यू कैन नॉट ऑडिट एनी फर्दर क्योंकि आपने अप्रोप्रिएटली इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया। तो आज उसका सेफ गार्ड क्या होगा, हमने सेफ गार्ड ये पढ़ा है ना, हमारा गोल ये, इसके बारे में भी तो लिखना है, इसको हम लोग एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आ सकते हैं कैसे, कि भाई आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज कर दो आज इसको। तीन चीजों में हमने एक्सप्लेन किया, आइडेंटिफिकेशन की हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया और फिर हमें सेफ गार्ड बता दिया। इस तरह से हमारा एथिक्स का, एथिक एंड प्रोफेशनलिज्म का एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हर एक पार्ट ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, अ क्वेश्चन ऑन एथिक्स विल रिक्वायर यू टू स्टेट द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स एंड अप्लाई देम टू अ सिनेरियो। वही कि आपने ठीक तरीके से आइडेंटिफाई करना और फिर ठीक तरीके से लिखना, कोई एडिशनल चीज आपको वो यहाँ पे नहीं समझा रहा। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के ऊपर आप इसको पढ़ लो, यहाँ पे उसने बेसिक डिफरेंसेस बताए, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या होती है, रूल्स बेस्ड अप्रोच क्या होती है, मैंने ऊपर आपको समझा दिया भाई, एक इसकी चीज बता दी, यहाँ पे उसने वो चीज बात की भी होगी कि देखो भाई प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच क्या है, फ्लेक्सिबल है, लेकिन रूल बेस्ड अप्रोच क्या है,
कि भाई मे एनकरेज अकाउंटेंट्स, यहाँ पे उसने फ्लेक्सिबिलिटी की बात नहीं की, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, उसका एक डिसएडवांटेज आ जाता है ये, तो इसको आप पढ़ लो पेपर में। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूछा जा सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि यार आप मुझे 5 मार्क्स के लिए बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स बेस्ड अप्रोच एंड रूल्स बेस्ड अप्रोच। इसको याद नहीं करना, इसको समझना है, इसको कॉन्सेप्चुलाइज करना है, इसको सिर्फ आपने 3 से 4 दफा कमरे में बंद होकर दीवारों को पढ़ पढ़ के सुनाना है भाई, ये होता है। और एक दफा अगर एडिशनली आप लिख भी लो तो भाई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, फिर तो आपको ये नहीं भूलने लगा। क्या है, वही बात है ना, प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच की क्या चीजें होती है, रूल बेस्ड अप्रोच की क्या चीजें होती है, बस वही चीजें आपने पढ़नी है, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, इतनी बड़ी थ्योरी पढ़ने की याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे। इंटेग्रिटी, जो कि कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट रहना है आपने अपने सारे के सारी प्रोफेशनल डीलिंग्स के अंदर। प्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब है कोई भी ऐसा काम आपने नहीं करना जिसकी वजह से आप या आपका प्रोफेशन नेगेटिवली हिट हो रहा हो। कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी की इन्फॉर्मेशन आपने अपने फायदे के लिए यूज नहीं करनी और तीसरी पार्टी को भी यूज नहीं करने देनी, और अगर डिस्क्लोज करनी तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। और फिर आती है ऑब्जेक्टिविटी, कि भाई आपने अपने नॉन बायस रहना है और अपने ऑब्जेक्टिव से नहीं हिलना। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर केयर रखो हर एक काम के अंदर, सिंपल सी बात है, ठीक है। इनको हम लोग पढ़ सकते हैं, इंटेग्रिटी का उसने डेफिनेशन वगैरह दी हुई है। पेपर में बहुत कम बेसिस पे ऐसा होता है कि एग्जामिनर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ से पूछ रहा हो, लेकिन आपको चाहिए कि आप इनकी डेफिनेशन एफएड में आपने याद की होंगी। इंटेग्रिटी की डेफिनेशन, मेंबर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप्स। मुझे आज क्यों याद है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट ही इसका मतलब होता है, मैंने इसको कोई रट्टा तो नहीं था, मैं इसको पूरा पूरा दिन बैठ के तो नहीं, मेंबर्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप, बार बार इसको यूं तो नहीं पढ़ता था। मैंने भी इसको याद नहीं किया, मैंने भी दरवाजा बंद करके 3 से 4 बार इन सारी चीज़ों को एफएड के अंदर दीवारों को सुनाया था और पढ़ाया था, तो आज मुझे आज तक ये चीज याद है। 3 4 साल हो चुके हैं अब तो इस बात को, ठीक है। तो आप भी इसी तरह से इन चीजों को दीवारों को सुनाओ पढ़ पढ़ के, ताकि आपको दिमाग में बैठे ये चीजें। वही ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन, वही पुरानी वाली, मेंबर शुड नॉट अलाउ बायस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और अंडू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट्स, ठीक है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की अपनी डेफिनेशन है, दो डेफिनेशन है, ड्यू केयर के लिए अलग है और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस के लिए अलग है, कि आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और आपको अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, किसी की इन्फॉर्मेशन वही चीज़ जो आपने डिस्क्लोज नहीं करनी। प्रोफेशनल बिहेवियर, आपने डिस्क्रेडिट नहीं करना अपने प्रोफेशन को और अपने आप को, कोई ऐसा बिहेवियर नहीं करना। एक करंट इशू भी यहाँ पे दिया गया, हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इग्नोर करो इस करंट इशू को। वाई? बिकॉज ये फाइनल में जिस वक्त हम लोग आर्टिकल्स पढ़े होंगे फ्रॉम ACCA वेबसाइट, वहां पे हम लोग इनको पढ़े होंगे, यहाँ पे इसको पढ़ना इज नॉट गुड राइट नाउ। वहां पे हम लोग अप टू डेट नॉलेज रखने के लिए इसको लाजमी करेंगे कवर अप, सो इसको बाद में पढ़ेंगे। आपने इन चीजों को याद कर लेना, याद इस तरीके इस सेंस में कि आपने दीवारों को पढ़ पढ़ के सुनाना है। आगे जाते हैं, आगे कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज अभी तक मुझे नहीं मिली जो कि हमारे लिए यूज हो सके, लेकिन हाँ ये है कि ये जो हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है ना, अब देखो इंटेग्रिटी हमारा ICCI के अंदर कवर हो जाता है, ऑब्जेक्टिविटी कवर हो जाता है क्योंकि हम लोग इंडिपेंडेंस इश्यूज की बात कर रहे होते हैं आई में, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर नहीं हो रहा होता, कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाता है, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं होता। अब ये दोनों नहीं हो रहे पेपर में, अगर आपको कहीं पे लगे कि यार ऐसा थ्रेट आ रहा है जहां पे प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की मैं बात कर सकता हूँ, तो करो, उसको छोड़ना नहीं है। फंडामेंटल प्रिंसिपल के ऊपर डायरेक्टली भी आप एक थ्रेट उठा सकते हो, प्रोफेशनल बिहेवियर के ऊपर कोई थ्रेट आ रहा है तो वहां पर भी आप उठा सकते हो, ठीक है, वहां पर भी आप पेपर के अंदर बात कर सकते हो। अगर मैं इससे आगे आ जाऊं तो मैंने आपको बोला ये जो करंट इश्यूज को भी छोड़ दो, बाद में हम लोग देखेंगे। प्रेशर्स टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, यहां से शुरू होती है इंपॉर्टेंट बातें, कि अब आपको समझाएगा कि कैसे आपके लिए थ्रेट्स बनते हैं। एन ऑडिटर और अकाउंटेंट मे बी आस्क्ड टू ब्रीच, एक मिनट, हाँ क्या कहते हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये भाई, एन ऑडिटर और अकाउंटेंट में बी आस्ट टू ब्रीच द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बाय एम्प्लॉयर, कस्टमर, सप्लायर और लेंडर, ठीक है। ये चार बंदे मुझे कह सकते हैं कि मैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर दूं। आगे क्या कहते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट शुड ऑलवेज अप्लाई द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, ऊपर से हमने ये चीज, तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आप याद करोगे वो आपको समझ आ जाएगी, विच रिक्वायर्स असेसमेंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेट एंड द एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट सेफगार्ड, कि भाई हमारा जो थ्रेट हुआ है वो कितना सिग्निफिकेंट है, कितना मटीरियलाइज हो सकते हैं मेरे लिए वो थ्रेट फ्यूचर में, क्या सिग्निफिकेंट है, अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है तो आज इसको मिटिगेट करो, अप्रोप्रिएट सेफगार्ड इस पे लगाओ। सेफगार्ड क्या है, कि भाई अगर कोई थ्रेट अराइज हो रहा है तो उसको खत्म करो, या मिटिगेट करना है या उसको एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आने नीचे। आगे क्या कहते हैं, दे मस्ट नॉट अलाउ प्रेशर फ्रॉम अदर्स इन अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड प्लेस प्रेशर्स ऑन अदर्स व्हिच वुड रिजल्ट इन अ ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ना अपने अपने आपके ऊपर प्रेशर आने देना किसी और का, कि इतना प्रेशर है कि आप फंडामेंटल प्रिंसिपल को ब्रीच कर जाओ, ना आपने किसी और के ऊपर प्रेशर आने देना है कि वो बंदा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ब्रीच कर जाए।
एग्जाम्पल्स क्या है कि बींग आस्क्ड टू मिसरिप्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ चुके हैं बचपन से हम लोग, बींग आस्क्ड टू लाई टू द ऑडिटर पढ़ चुके हैं F8 के अंदर हम लोग, बींग आस्क्ड टू साइन ऑफ एज कम्प्लीटेड दैट यू हैव नॉट परफॉर्म, कोई काम आपने नहीं किया उसको रिव्यू करो और बताओ कि भाई आई हैव साइंड इट, मैंने इसको रिव्यू कर लिए जबकि आपने वो किया ही नहीं, तो उसको भाई नहीं करो अगेन, वो भी अगेन एक प्रेशर है, ठीक है, वो आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल को ब्रीच करता है। बींग आस्क्ड टू इनअप्रोप्रिएटली रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ वर्क परफॉर्म, अब होता क्या है कि जब एज एन ऑडिटर आप ऑडिट करने के लिए जाते हो, तो हम लोगों ने सब्सटांटिव प्रोसीजर के अंदर ये बात कर ली थी, की थी कि अगर आप कोई चीज के ऊपर सब्सटांटिव प्रोसीजर बना रहे हो तो आप वहां पे अगर कोई सैंपल उठाने लगे हो तो उसको बोलो सेलेक्ट अ सैंपल टू परफॉर्म दिस 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 एंड दिस प्रोसीजर। वो सैंपल की जब हम लोग बात करते हैं ना, ऑडिटर पहले से ये डिसाइड करके क्या होता है कि यार 100 इनवॉइसेज में से मैं 20 टेस्ट करूंगा, हो सकता है जब आप ऑडिट पे जाओ तो वहां पे आपको पता चले कि जो क्लाइंट है वो 20 देने को तैयार नहीं, तो आप 10 पे रिड्यूस कर लेते हो, वो चीज अब आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल को ब्रीच कर जाती है। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि इनअप्रोप्रिएटली आपने रिड्यूस नहीं करना अपने एक्सटेंट ऑफ ऑडिट वर्क परफॉर्म, यानी अपने सैंपल साइज को रिड्यूस नहीं करना बिना वजह, उसकी भी कोई ना कोई रीजन होती है। अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स अब क्या हो सकते हैं, डिस्कसिंग द मैटर विद द इंडिविजुअल, एग्जर्टिंग द प्रेशर एंड ट्राई टू रिजॉल्व द मैटर, उसी बंदे के साथ डिस्कस करो जिस जो बंदा तुम्हारे ऊपर मसले बना रहे हैं, भाई उल्टी गोली उसी को मारो आप उठा के, उसी के ऊपर उसी के साथ सबसे पहली बातें करो कि भाई क्यों मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, लड़ना शुरू कर दो, लड़ना नहीं है मजाक करूँ, उसके साथ बात करो कि भाई व्हाट इज द प्रॉब्लम, आप मेरे ऊपर किस लिए प्रेशर डाल रहे हो, वो ये यहाँ पे कह रहे हैं। डिस्कसिंग द मैटर विद द मैनेजर इफ द मैनेजर इज नॉट द इंडिविजुअल एग्जर्टिंग द प्रेशर, कि भाई जो आपका मैनेजर है उसको बताओ ये बंदा मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, और अगर मैनेजर नहीं है तो तभी उसी को बताओ। एडवाइस ले लो, ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मूला डिस्प्यूट उठा लो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने अपना कोई चीज़ में पॉलिसी बनाई होगी कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, ACCA वालों को कॉन्टैक्ट कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है। हम लोग जब एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म के आंसर्स पढ़े होंगे ना किट के अंदर जाके, आप मार्च जून 2018 का पेपर उठा लो, आप सितंबर दिसंबर 2021 का पेपर उठा लो, आप मोस्ट रिसेंट पेपर उठा लो, जहां पे भी एथिकल एंड प्रोफेशनल की बात होगी वहां पे लास्ट लाइन होगी कि भाई अगर आपका एथिकल एंड प्रोफेशनल इशू रिड्यूस नहीं हो सकता टू एन एक्सेप्टेबल लेवल, सीक एडवाइस फ्रॉम ACCA और अदर इंडिपेंडेंट एडवाइजर, आपने ये वाला सेफगार्ड दे देना है सीधा सीधा, ये आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, या सीक लीगल एडवाइस, आप ये बातें कर सकते हो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उसने बात बोली, और ये हर एग्जाम पेपर के सोल्यूशन के अंदर आपको ये चीज नजर आ रही होगी सामने, ठीक है। फिर वो एथिकल थ्रेट्स देता है, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, असेस द थ्रेट्स, अप्लाई द नेसेसरी सेफगार्ड्स, एलिमिनेट द थ्रेट या फिर रिड्यूस द थ्रेट टू एक्सेप्टेबल लेवल, ये चीजें हम लोग अपनी उसमें कर चुके हैं जो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग पढ़ी है, ठीक है। एथिकल इंप्लीकेशंस फॉर नॉन ऑडिट सर्विसेज, इसको आप पढ़ लें, व्हेन अ प्रैक्टिशनर प्रोवाइड्स नॉन ऑडिट सर्विस एथिकल इंप्लीकेशंस मस्ट स्टिल बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टिंग द वर्क, कि भाई देखो आप एक क्लाइंट का ऑडिट भी करते हो और ऊपर से उसको आप नॉन ऑडिट सर्विस भी देने लगे हो, तो फिर एथिकल कंसिडरेशंस आ जाती हैं, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ जाता है, सेल्फ रिव्यू थ्रेट आ सकता है वहाँ पे, फेमिनिटी थ्रेट आ सकता है वहाँ पे, इस तरह के थ्रेट्स आ जाते हैं, ठीक है। प्रैक्टिशनर ने हमेशा क्या करना है, कॉम्पिटेंट टू प्रोवाइड द सर्विस, सबसे पहली तो बात है, प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर, सॉरी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यूटी के ऊपर उसने बात कर दी। अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे थे, प्रैक्टिशनर मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, अगेन दो सेपरेट स्ट्रीम रख लो। आगे जो इसकी इंपॉर्टेंट बात, जहाँ पे अभी यहाँ पे उसने इंपॉर्टेंट बात कही, आगे बड़ा डिटेल में वो ये वाला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं मेरे पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, फेमिलैरिटी थ्रेट, फिर उसके बाद आ जाता है इंटीमिडेशन थ्रेट और एडवोकेसी थ्रेट। F8 पे मुझे याद है मुझे बड़ा मुश्किल लगता था इस चीज के बारे में पढ़ना कि भाई ये किस तरह मैं याद रखूंगा पेपर के अंदर, कि भाई शेयर्स अगर मैं ऑन कर रहा हूँ उसी कंपनी का जिसका मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो वो किस कौन सा थ्रेट बनता है। F8 में आपको पता है ना बड़ा डिटेल में टेस्ट किया जाता है ये वाला टॉपिक एथिक्स वाला, ऑलमोस्ट 25 मार्क्स से आ रहा होता है, 20-25 मार्क्स का पेपर के अंदर आ रहा होता है, ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है वहां पे, यहाँ पे तो फिर भी कम है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि अगर मैं कंपनी के शेयर्स को ऑन करता हूँ तो वो सेल्फ इंटरेस्ट या फेमिलैरिटी नहीं बनेगी उससे, उससे इंटिमिडेशन नहीं बनेगी उससे। मैंने आपको पता है इसका एक मेमोनिक बना के रखे हुए सबके सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के, मैं क्या कहता था OFG, इस तरफ इनिशियल लेटर्स याद कर लेता था और उसके बाद में कहता था अच्छा ऑन शेयर्स है पेपर के अंदर मुझे याद सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ रहा है, सीधा सीधा बता दो भाई ये सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, और ऑन करते हो शेयर्स तो उसका सेफ गार्ड क्या है, नीचे यहाँ पे आ जाओगे तो उसका सेफ गार्ड भी आपको मिल जाएगा। फी डिपेंडेंसी देखो, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में सबसे पहले फी डिपेंडेंसी की बात उसने की, उसने पे बताया है कि आपका थ्रेट क्या है, कि थ्रेट्स कैन बी क्रिएटेड इफ फीस रिप्रेजेंट अ लार्ज पोर्शन ऑफ वन पार्टनर और एन ऑफिस ऑफ द फर्म। अब हमें यहाँ पे ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ कि 15% से अबव फीस हो तो वो फी डिपेंडेंसी आ जाती है, भाई आपने नॉन ऑडिट सर्विसेज कम करो, ठीक है, सबसे पहली चीज। और अगर टू कंसेक्यूटिव, यहाँ पे उसने बताया देखो, फर्म्स इंडिपेंडेंस इज थ्रेटन्ड एंड शुड बी रिव्यूड इफ टोटल फीस फ्रॉम अ लिस्टेड ऑडिट क्लाइंट एक्सीड्स 15% ऑफ द टोटल फर्म्स टोटल फीस for consecutive 2 years,
यानी कि 15% से अगर मेरा टोटल रेवेन्यू 100 का है, एक फर्म जो कि ऑडिट फर्म है उसका टोटल रेवेन्यू 100 का है, उसमें से एक क्लाइंट है एबीसी कंपनी जिसका मैं ऑडिट करता हूँ और वो मुझे 15 की फीस करते हैं, 1500 का कितना है 15%। अब पहले साल भी 15% थी मेरी फीस, मेरे टोटल रेवेन्यू को 15% रिप्रेजेंट करती थी, अब दूसरे साल भी वो 15% रिप्रेजेंट करती है। और ये क्लाइंट भी कोई आम क्लाइंट नहीं, इट इज अ लिस्टेड क्लाइंट इन अ स्टॉक एक्सचेंज जिसमें जनरल पब्लिक आके इन्वेस्ट करती है। भाई इंडिपेंडेंस का थ्रेट आ गया आपके ऊपर, सीधा सीधा आपके ऊपर सेल्फ इंटरेस्ट का थ्रेट है, आप उसको कम करोगे कैसे? द फर्म शुड डिस्क्लोज द दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एट द क्लाइंट। आप ये चीज याद कर लो, इस चीज को याद कर लो कि अब दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं? ऑडिट कमेटी। आप ऑडिट कमेटी को डायरेक्टली ये चीज डिस्क्लोज करो कि 2 साल कंसेक्टिव हमारी फीस 15% से ऊपर चली गई है, सबसे पहली चीज डिस्क्लोज कर लो। और दूसरी क्या, एन इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू शुड बी परफॉर्म बाय द पर्सन नॉट अ मेंबर ऑफ द ऑडिट फर्म एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन। मतलब भाई सीधी सीधी बात है कि भाई इंडिपेंडेंट बंदा उठाओ, इंडिपेंडेंट एंगेजमेंट कराओ, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कराओ अपना QCR जिसको बोला जाता है, एक इंडिपेंडेंट फर्म से जो कि आपकी फर्म का हिस्सा ना हो वो बंदा, और वो बताया कि क्या आपने ऑडिट प्रोसीजर्स ठीक परफॉर्म किए या नहीं। क्योंकि देखो हो सकता है कि अगर वो 15% ऑफ द ऑडिट फीस आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो एक ऑडिट फर्म के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। अगर वो चला गया तो 15 रुपीज आपके या 15 पाउंड आपके निकल गए बैंक से, अगले साल वो नहीं आने वाले, आप इस क्लाइंट को लूज नहीं करना चाहोगे, तो आप अपनी ऑडिट की क्वालिटी शायद गिराते रहो। और अगर आप अपना QCR नहीं कराने वाले यानी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू नहीं कराओगे तो वो चीज हाईलाइट नहीं हो पाएगी अगर आपने ऑडिट क्वालिटी गिराई है। तो QCR वाला बंदा आके आपको क्या बोलेगा कि भाई आपने ऑडिट की क्वालिटी गिराई है, इसको दोबारा से ठीक तरीके से करके करो। ठीक है, इसी तरह से आपके डिफरेंट इश्यूज है, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी के ऊपर इश्यूज है, एक्सेप्टेंस उसको एक्सप्लेन किस तरह से किया गया है, कोई भी ऐसा इशू, गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी आ रहा है तो वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, शेयर्स ऑन करते हो वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, उसको आपने कैसे डिस्पोज ऑफ करोगे, लिस्टेड है नहीं लिस्टेड, तो इमटीरियल होना चाहिए, उसने यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, फर्दर उसने यहाँ पे लिखा है, अब इन चीजों को आप पढ़ोगे वो यही बात करते हैं। देखो इन शॉर्ट उसने सिंपल चीजें क्या बताई कि यहाँ पे वो हर एक, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग ये चीज पढ़े ना, थ्रेट टू इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये वाला थ्रेट टू इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया सेल्फ रिव्यू, सेल्फ इंटरेस्ट है, फेमिलैरिटी है, ब्ला ब्ला ब्ला, इंटिमिडेशन है, इंटिमिडेशन है, और एडवोकेसी थ्रेट है। ठीक है, अभी हम लोग सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के ऊपर है कि भाई इसमें कौन कौन से थ्रेट फॉलो कर सकते हैं। पेपर के अंदर फी डिपेंडेंसी आके आपको जहन में आना चाहिए कि भाई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है, उसके अगेंस्ट मुझे कौन कौन से सेफ गार्ड दिए गए थे। अगर पहली पहली कंडीशन है एक नॉन लिस्टेड क्लाइंट, तो मैंने क्या करना है, और दूसरी कंडीशन है तो फिर भाई 15% से 2 साल के लिए कंसेक्टिव हो गए तो मैं रिपोर्ट करूंगा, मैं QCR करूंगा, ये चीज अब आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। गिफ्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, फिर हमारा ऑनिंग शेयर ज्यादा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कहीं पे वो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। F8 में आप लोग ये चीजें पढ़ चुके हो, ओवर ड्यू फीस है, आप ऑडिट ही नहीं करोगे, सबसे पहली चीज है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने ये लिखी हुई होगी, इंडिपेंडेंट रिव्यू भी परफॉर्म करो अगर ओवर ड्यू फीस है। ठीक है, फीस रिमेन ओवर ड्यू फॉर द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम, द फर्म शुड कंसीडर वेदर द ओवर ड्यू फी constitutes a loan and whether it is appropriate to seek the appointment or continue with the engagement। कि भाई आप छोड़ भी सकते हो ऑडिट करना उस कंपनी का जो कि आपको फीस नहीं दे रही पिछले साल के ऑडिट की। लोन्स एंड गारंटीज, उस बंदे से आपने लोन लिया जिसका आप ऑडिट कर रहे हो, उसकी सबसे पहली वो तो कमर्शियल टर्म्स पे होना चाहिए वो लोन। ठीक है, और वो मेड शुड बी मेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, वो कोई अनकंडीशनल लोन ना हो, सेम जैसे नॉर्मल कंज्यूमर्स को दिया जाता है वो लोन, ऐसे तरह एक ऑडिटर को भी दिया गया वो लोन। ठीक है, और वो मटेरियल भी ना हो आपके वेल्थ के लिए, अगेन यहाँ पे ये बातें भी हो जाती है। ये बड़े छोटे छोटे से उसने सेफगार्ड्स यहाँ पे बताए, बिजनेस रिलेशनशिप आपका बन जाता है, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट बन सकता है, अपना बिजनेस इंक्रीज करने के लिए आप उसके बिजनेस को नेगेटिवली इंपैक्ट नहीं करना चाहते, इसी वजह से कम ऑडिट की प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे आप, ताकि उसकी कॉस्ट भी कम हो और गलत चीजें आइडेंटिफाई भी ना हो सके, उसका बिजनेस अच्छा चलता रहे। फिर थ्रेट अगेन, ये सारे के सारे कंटिजेंट फीस क्या होती है कि आप द ऑडिटर वुड हैव इंसेंटिव टू इंश्योर अ पर्टिकुलर आउटकम इज अचीव्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द ऑडिट फी। ये कंटिजेंट ऑडिट फीस क्या चीज होती है कि भाई मैं क्लाइंट को कहता हूँ कि मेरी ऑडिट फीस विल बी दिस मच परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट दैट यू जनरेट। अब इससे होगा क्या कि अगर मैं परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट रख दे तो दिस इज अ कंटिजेंट फी, ये एग्जांपल एक कंटिजेंट फी की। अब हो क्या रहा है कि एज एन ऑडिटर मेरी कोशिश होगी कि भाई मेरे क्लाइंट का प्रॉफिट बढ़े तो मैं एक्सपेंसेस को कम कराता रहूंगा, इनकम को ज्यादा कराता रहूंगा, ताकि मेरी फीस भी ज्यादा होती रहे, तो मैं कंटिजेंट फी नहीं रख सकता मना है ऑडिट के अंदर। ये पोटेंशियल ऑडिट, पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद ऑडिट क्लाइंट, अगर आपको ऑडिट का जो क्लाइंट है फ्यूचर में आपको एम्प्लॉयमेंट देने लगे, आप एक मैनेजर थे ऑडिट फर्म में और आपको जो क्लाइंट हो वो क्या देने लगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने लगे, तो अगेन आप वहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स ठीक से परफॉर्म नहीं करोगे, कोई गलतियां नहीं निकालोगे, ताकि आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहे, जैसे ऑडिट खत्म हो तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर जाओ।
ठीक है, कंपनसेशन एंड इवैल्यूएशन पॉलिसीज, इसको पढ़ने की ऑडिट पार्टनर्स, ऑडिट मेंबर्स कैसे होने चाहिए, उनकी क्या प्रमोशंस होनी चाहिए, प्रमोशंस की क्या बात है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, एक्चुअल और थ्रेटेड लिटिगेशन, ये इंटीमेशन के इंटीमिडेशन के अंदर आ जाएगा इस तरह से। फेमिलैरिटी थ्रेट्स है, फिर उसने फेमिलैरिटी के ऊपर बात करती है, उसमें सारे वही थ्रेट्स जो कि हम लोग पहले से पूछे हैं। ये आ गई बात कूलिंग ऑफ पीरियड वाली जो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने जो यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल बनाई थी, मैंने बोला था 7 ईयर्स से मेरा ऑडिट क्लाइंट है। ठीक है, अब कूलिंग ऑफ पीरियड कहता है कि एक ऑडिट क्लाइंट के अगेंस्ट आप 5 साल रख सकते हो, 3 साल के लिए एक AQCR वाला बंदा रख सकते हो जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ 3 साल तक कंजेक्टिवली कर सकते हैं, और एक ऑडिट पार्टनर 2 साल का कूलिंग ऑफ का पीरियड है उसका। ठीक है, मतलब कि आप कितने अरसे तक कर सकते हो, यहाँ पे उसने ये चीज बताई होगी, ये भी तो थ्रेड्स और कूलिंग ऑफ पीरियड है और ये चीजें उसने दी हुई है यहाँ पे। इसको आप पढ़ें, अच्छा यहाँ ये वो कूलिंग ऑफ पीरियड बता रहा है कि भाई 5 साल तक एक बंदा जो है ना वो कर सकता है एक कंपनी का ऑडिट, एक पार्टनर, एंगेजमेंट पार्टनर 5 साल तक कर सकता है। ठीक है, फिर 3 साल तक एक AQCR वाला बंदा कर सकता है, और 2 साल तक किस कौन कर सकता है, एक की ऑडिट पार्टनर कर सकता है, ये सेपरेट चीजें होती हैं। ठीक है, ये होता है चीज। अब मेरा ऑडिट जो पार्टनर है वो कितने साल तक कर रहा होगा, हो सकता है सेम ऑडिट पार्टनर हो लास्ट 7 ईयर से, तो भाई मेरा रिस्क उठ जाता है ना फेबिलिटी के ऊपर, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, रोटेट कराओ, अपनी ऑडिट टीम को चेंज करो, ये सारे मैं उसको दूंगा जेनेरिक किस्म के रीजंस दूंगा, वो सारे वो यहां से मेरे याद है आज भी, आपने इसको पढ़ना है, ये इन चीजों को आप पढ़ोगे तो आपके जहन में खुद से आ जाएगा कि भाई अच्छा मैंने उसको क्या चीज देनी है। ठीक है, रिव्यू करा लो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बॉडी से रिव्यू, भाई ये वाला तो आपकी वो चीजें हैं जो कि हर जगह पे फॉल करती है, इंडिपेंडेंट रिव्यू करा लो, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बॉडी से रिव्यू करा लो, ये तो वो चीजें जो कि हर जगह से पड़ती है। इन शॉर्ट ये वो चीजें जो कि अब आपको याद करनी है, आपने इनको पढ़ना है खुद से, यहाँ से इनको इंडिविजुअली पढ़ना है, ये मैं पढ़ाना शुरू कर दूँ, इट इज टाइम वेस्टेज बॉय, वाई, बिकॉज ये टाइम यूज करके आप इसको खुद से पढ़ सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ऑलरेडी एफएड में हुई हुई है ये चीजें, ये एफएड के अंदर बड़ा डिटेल में बंदा पढ़ाता है। इसी तरह आपके पास सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ गया, बचपन में हमने पढ़ा है कि भाई अपना काम खुद से रिव्यू करना है एज ए सेल्फ रिव्यू थ्रेड। अब अगर आप एक बंदे को टैक्सेशन सर्विस भी दे रहे हो साथ साथ उसको ऑडिट भी कर रहे हो, तो अपनी चीजें खुद से रिव्यू करोगे, जो पेरोल सर्विसेज आपने प्रोवाइड किए उसी को खुद से ऑडिट कर रहे हो, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने उनको बना के दिए उनको खुद से ऑडिट कर रहे हो, जो टैक्स का रिकॉर्ड आपने खुद से उन क्लाइंट को बना के दिए उनको खुद से ऑडिट कर रहे हो, तो सेल्फ रिव्यू थ्रेड आप नहीं कर सकते। इसके बारे में क्या बोला गया है कि अगर नॉन लिस्टेड क्लाइंट है तो 2 सेपरेट टीम्स रख सकते हो, लेकिन अगर लिस्टेड क्लाइंट है तो फिर क्या करोगे, 2 सेपरेट टीम्स की तो बात ही नहीं, आप एक लिस्टेड क्लाइंट को सिर्फ और सिर्फ ऑडिट की सर्विस दो या फिर दूसरी सर्विस दे नहीं सकते, कैसे, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विस आप दे नहीं सकते, सीधी सीधी बात है, जो कि उनके बुक से रिलेट करे वो सर्विस आप दे नहीं सकते, इंटरनल ऑडिट की सर्विस अगेन वही बात है, इंटरनल लिस्टेड क्लाइंट्स को आप नहीं दे सकते, नॉन लिस्टेड क्लाइंट्स को आप दे सकते हो, टैक्स सर्विस वही बात है, सारी की सारी ये चीजें हैं, कोई भी ऐसी कैलकुलेशन जो कि मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंपैक्ट करी वो आप नहीं करके दे सकते। ठीक है, अगेन फिर इसी तरीके से सारे रिस्क आइडेंटिफाइड है, आप उनको याद नहीं करना बिल्कुल भी, ये नहीं बैठ के रटा मारना शुरू कर दो, जस्ट सिट डाउन एंड ट्राई टू रीड ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, जब आप इनको पढ़ोगे ना तो आप खुद से समझ आ जाएगा, अच्छा पेपर में इस तरह के सवाल है तो मैंने उसके अगेंस्ट ये सेफ गार्ड देने और ऐसे आइडेंटिफाई कर लेने, आईटी सर्विसेज ऑलरेडी सेल्फ रिव्यू के अंदर प्रोवाइड कर रहे हो तो हो सकता है आप खुद से रिव्यू कर रहे हो, तो ऑल क्लाइंट्स सच 2 अलग टीम मेंबर रख लो, ऑडिट टीम मेंबर्स टू परफॉर्म, ठीक है, लेकिन लिस्टेड क्लाइंट है तो ऑडिट सिस्टम हम लोग नहीं परफॉर्म सिग्निफिकेंट पार्ट, तो इंटरनल कंट्रोल के ऊपर अगर आ रहा है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर आ रहा है तो हम लोग नहीं करके दे सकते, ये अब आपकी मेहनत है, आपने पढ़ना है इसको। खैर मैं टाइम वेस्ट के बगैर आगे आता हूँ, वैल्यूएशन सर्विसेज हो गया, ये सारी की सारी बात होगी, लीगल सर्विसेज होगी यहाँ पे, ये सारी बात उसने की भी है, फिर एडवोकेसी थ्रेड के ऊपर उसने सेपरेटली बताया, एडवोकेसी थ्रेड क्या होता है, यू आर रिप्रेजेंटिंग द क्लाइंट इन सच अ वे, किस तरह से कि लेट सपोज मेरा क्लाइंट मेरा ऑडिट का क्लाइंट है, वो मुझे रिक्वेस्ट करता है कि यार मैं बैंक से लोन लेने के लिए जा रहा हूँ तो काइंडली आप भी आ जाए मेरे साथ बैंक के साथ, बस मीटिंग में बैठ जाइएगा, आपने कुछ बोलना नहीं, मेरी साइड नहीं लेनी है आपने, ठीक है, मुझे पता है आप ऑडिटर है, आप मेरे 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 लिए नहीं बोल सकते, लेकिन बैठ जाएंगे ना तो तब भी बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि भाई ऑडिटर उसका आया हुआ था, मतलब वो एक अच्छा बंदा है, तो ये भी आप नहीं कर सकते, वो एडवोकेसी थ्रेट है, आप किसी को प्रमोट नहीं कर सकते एज एन ऑडिटर, आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी किसी को नहीं, अपने क्लाइंट को ना प्रमोट कर सकते हो ना उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी तरीके से, कहीं पे भी कोई केस चल रहा है नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, कोई कोई एडवर्टाइजमेंट हो रही है आप नहीं उस एडवर्टाइजमेंट के अंदर आके प्रमोट कर सकते, ठीक है, इंटिमिडेशन थ्रेट क्या होता है कि भाई एक्चुअल और प्रसीव प्रेशर फ्रॉम द क्लाइंट इन और अटेम्प्ट्स टू एक्सरसाइज अनड्यू इन्फ्लुएंस ओवर द अश्योरेंस प्रोवाइडर क्रिएट्स एन इंटिमिडेशन थ्रेट, कि भाई आप ऑडिटर को
प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो ओपिनियन है वो चेंज हो जाए किसी तरह से। ऑडिटर ने कोई गलती आइडेंटिफाई कर ली, आप किसी ना किसी तरीके से उसको धमकियां दे के, उसकी फीस रोक के, किसी भी तरीके से उसको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हो कि वो अपना ओपिनियन बदल ले, कि भाई जो काम आप कर रहे हो, जो ओपिनियन आप दे रहे हो गलत है, जो मेरे वाला ओपिनियन दे दो, इस चीज को जाने दो। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हो प्रेशर डालने के लिए? फी डिपेंडेंसी, अपनी फीस इंक्रीज कराते रहो, गिफ्ट्स देते रहो ज्यादा से ज्यादा ऑडिटर को, फैमिली और पर्सनल रिलेशनशिप्स भी जो है वो भी इंटिमिडेशन क्रिएट करती हैं, रिक्रूटमेंट सर्विसेज देना वो भी इंटिमिडेशन क्रिएट कर देती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट दे दो उसको अपॉर्चुनिटी, लिटिगेशन कर दो उसको, केस कर दो उसके ऊपर कि भाई उसको प्रेशराइज करने के लिए, फीस उसकी रोक दो, ये सारी की सारी बातें होती है इंटिमिडेशन थ्रेट्स की। ठीक है, फिर जब हम लोग आ गए थे पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज आती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कौन सी होती है? उसने बताया वो लिस्टेड कंपनीज होती हैं, डिफाइंड होती हैं वो रेगुलेशन और लेजिस्लेशन से पब्लिक इंटरेस्ट। ज्यादातर पब्लिक इंटरेस्ट के बारे में हम लोग ये कहते हैं ऑडिट एडवांस ऑडिट के अंदर, दीज आर लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, और इनका ऑडिट कराना लाजमी होता है, ऑडिटेड अंडर द सेम इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स एज लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, मतलब लिस्टेड हो नॉन लिस्टेड हो, हो सकता है एक ऐसी कंपनी भी हो जो कि पब्लिक इंटरेस्ट हो लेकिन वो लिस्टेड ना हो, उसका भी ऑडिट वैसे ही होगा जैसे वो लिस्टेड कंपनी है। मतलब कि यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने अभी सेग्रीगेशन पढ़ी है बिटवीन के भाई लिस्टेड के साथ आप कौन से सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो और नॉन लिस्टेड कंपनीज को कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। तो अगर एक पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी नॉन लिस्टेड है फिर भी वो उसका ऑडिट वैसे ही होना जैसे कि वो लिस्टेड है, तो आप वो सर्विस ऐसी उसको प्रिसीव करोगे जैसे कि वो लिस्टेड कंपनी है, और उसको वो चीजें नहीं प्रोवाइड करोगे जहां जो के मन है ऑडिट के अंदर, जो हम लोगों ने ऊपर सारी थ्रेड्स में पढ़े हैं दो कॉलम्स के अंदर, आपने उनको पढ़ देने। मैं अगेन उसको यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देते हैं हाईलाइट ताकि याद हो के ये चीज दी गई है पढ़ने के लिए। इसको पढ़ना है, इसको याद नहीं करना, मैं अगेन ये बात बता रहा हूँ। आप इसको एक दो दफा पढ़ भी लो ना और दरवाजा बंद करके ना भी पढ़ो, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़ो, आपका एफेट वाला पोर्शन आपके दिमाग में आ जाएगा, आपको याद हो जाएगी सारी की सारी चीज। ठीक है, सो डू रीड इट वंस, जब भी आपको टाइम मिले इसको लाजमी पढ़े, यहां तक इसको आपने पढ़ लेना। ठीक हो गया, फिर यूके सिलेबस के बारे में बात है, इसको तो ये तो हमारे से रिलेट ही नहीं करता। सेक्शन वन आ गया, जनरल रिक्वायरमेंट नहीं, आगे आ जाए आगे आ जाए आगे आ जाए आगे आ जाए, ये सारे यूके यूके सिलेबस के, ये आपसे रिलेट नहीं करता। आप एक इंटरनेशनल पेपर देने के लिए जा रहे हो, यूके वाइज सिलेबस की तरफ नहीं जा रहे। ठीक है, आगे आते हैं अगर हम लोग, तो आपका अब यहाँ पे खत्म हो गया, दिस इज कॉन्फिडेंशियलिटी, जो कि हमने अगली रिकॉर्डिंग में से शुरू करना है इंशाल्लाह, वो यहाँ से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगली रिकॉर्डिंग में लोग कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट के ऊपर डिटेल में बात कर रहे होंगे, समझा रहा हूँ कैसे करते हैं। आपका टॉपिक है कि भाई इस रिकॉर्डिंग के बाद आप इंडिपेंडेंस के जो तो थ्रेड्स मैंने आपको बताया आप उनको पढ़ें, उनके सेफगार्ड्स को पढ़ें, उनके थ्रेड्स को पढ़ें कि हम लोग कैसे उनको डील करते हैं उनके साथ। ठीक है, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग एंड